शेफाली, आज का स्कोर तो बहुत बढ़िया था इंडिया का, 158। तो जब आप बैटिंग कर रहे थे, क्या आपके मन में कोई टारगेट था उस वक्त? हाँ, जब मैं बैटिंग कर रही थी मेरे मन में यही था कि मैं अच्छा खेल, जितनी देर मैं क्रीज पे खड़ी रहूंगी इंडिया टीम के लिए स्कोर करूँ ज्यादा से ज्यादा, और बस अपने गेम खेलूँ नेचुरली, बस यही था, ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन वो टीम का 150 आपको कब लगा था कि वो इनफ होगा इस विकेट पे? आई थिंक जब हमने विकेट देखा तो हमें लगा कि हम स्कोर कर सकते हैं 150 या 160, तो हमने आज किया तो हमारे बैट्समैन ने बहुत अच्छा किया और अच्छा भी लगा 150 करके, अच्छा भी खेले। ओके, थैंक यू अजीत। सुदर्शन, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन। थैंक्स आनंद। शेफाली, वेल प्लेड। जब स्मृति की विकेट चली गई, तब आपके और हार्लिन के बीच में क्या बातचीत थी, और आप इस पिच के बारे में क्या कहेंगे जब आप बैटिंग कर रही थी, कैसा बॉल बल्ले पे आ रहा था और कैसा फील कैसा था? एक्चुअली विकेट बहुत अच्छा था, बैटिंग विकेट था पूरा। जब हर्लिन आई मेरे साथ खेलने, हम दोनों का बस यही टारगेट था कि हम दोनों स्ट्राइक रोटेट करते रहे, लूज बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाए और अच्छा खेले, टीम के लिए स्कोर करे ज्यादा से ज्यादा। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ज़ीनिया। ज़ीनिया, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन। ओके, ज़ीनिया हैज सेंट अ क्वेश्चन ऑन चैट। शी आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक टू रिटर्न टू इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर अ ईयर। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने बहुत एक टाइम के बाद, लंबे अरसे के बाद आपने एक यू मेड अ कमबैक, तो हाउ वाज इट गेटिंग इनटू रिदम फॉर द फर्स्ट मैच इटसेल्फ। एक साल बाद हमने खेला तो फर्स्ट मैच खेलने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला, एक बॉल खेलने के बाद बहुत चैलेंजिंग मोमेंट था हमारे लिए एक साल, तो जब मैंने फर्स्ट बॉल खेला अच्छा लगा, अच्छा कॉन्फिडेंस आया टीम के साथ आके और अच्छा लगा। नेहल, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन। हाय शेफाली, स्नेहल प्रधान बात कर रही हूँ। ये पूछना था कि हर बार गैप के बाद हमने देखा है कि आपने आपका गेम लेवल अप किया है। जब सूरत में देखा तो आपके टॉप हैंड के साथ आपने काफी काम किया था, जब ऑस्ट्रेलिया में देखा तो पुल शॉट पे काफी काम किया था, तो इस ब्रेक के दौरान जो एक साल का ब्रेक था उस पीरियड में आपने कौन से चीजों पे फोकस किया? और ये भी मैंने नोटिस किया कि आज आपने एक अलग बैट यूज की, और अभी तक वर्ल्ड कप में एक अलग बैट देखी थी, फर्स्ट मैच में एक अलग बैट देखी थी, उसके पीछे भी जरा बैकग्राउंड स्टोरी बताइए। एक्चुअली बैट का जो है कभी ऐसा वो नहीं रहता है कि यही बैट यूज करना है, एक्चुअली मैं करती थी जो बैट वो मेरा था, मैं एक्चुअली करती थी वो मैचेस में वही यूज करती थी, तो आज मैंने बैट चेंज किया और इस लॉकडाउन में मैंने बहुत मेहनत की अपने बॉल चूज करने में, बॉल चूज करके मारने में, और इम्प्रूव किया कि नीचे भी खेल लूँ, सिंगल डबल और बैकफुट फ्रंट फुट सब पे इम्प्रूव किया मैंने। ओके, सुदर्शन, शेफाली, मुझे जानने आप कितना मतलब सोच लगाती हैं व्हेन यू आर इन द मिडिल, क्योंकि बाहर से देखते तो लगता है कि हर बॉल मतलब ऑलमोस्ट लाइक कि ये बॉल मारेंगी कि नहीं मारेंगी, लेकिन आप कितना कैलकुलेटेड हिसाब से खेलते हैं, क्योंकि स्पिनर आए तो भी आप मारते हैं, पेसर्स को भी मारते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चलता है जब आप बैटिंग करते हैं कि बस देख देख घुमा के चलता है कि कुछ प्रोसेस चलता है, वो आप बता सकते हैं? जब मैं बैटिंग करती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि जो मेरा लूज बॉल है उस पे हिट करूँ और जो जो खिंचा हुआ है उस पे सिंगल लूँ, सिर्फ यही है मेरे दिमाग में कि जो बॉल मुझे अपने लाइन में मिला उस पे मैं मारूं और जो नहीं है उस पे आराम से खेलूं, यही रहता है बस, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। ओके, वी विल टेक लास्ट व्यू। स्नेहल, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन। आज हमने ऑब्वियसली देखा कि फील्डिंग एक T20 गेम का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, क्या ये एक ऐसी चीज है जो आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपके लिए नेक्स्ट एरिया ऑफ बिग इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या इस एरिया पे आपने काम किया है? एंड एक और भी एक पूछना था कि क्या आप इस लॉकडाउन के दौरान T20 के साथ ODIs की भी तैयारी कर रहे थे, अपने पर्सनल प्रिपरेशन में दोनों फॉर्मेट्स की खुद की तैयारी कर रहे थे? हाँ, एक्चुअली जब मैं लॉकडाउन में मैंने दोनों की प्रैक्टिस की थी, ODI भी, ताकि मैं नीचे खेलूँ, बॉल चूज करना सीखूँ, इसी ODI T20 दोनों के लिए था। और फील्डिंग के लिए ये मैच में चलता रहता है, मिस फील्ड या कुछ भी, मतलब इससे हम और भी सीखेंगे, और हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, अच्छा लगा देख के।
Okay, we'll take last two questions. Anesha, you can go ahead with your question. Thanks, Anand. शफाली, मेरे ख्याल से ये शायद आपका पहला इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है. ये जो जर्नी आपका रहा है शफाली, वर्ल्ड कप तो बहुत ही बेहतरीन था, एक साल बीत गया. किस तरीके के मेमोरीज है जब आपके विमेंस टी20 चैलेंज में आपने डेब्यू किया था जयपुर में, फिर वो कमाल का वेस्ट इंडीज टूर एंड वर्ल्ड कप रहा, और एक साल बाद आप फिर से खेल रहे हो, क्या महसूस होता है आपको? एक्चुअली स्टार्टिंग से मैंने बहुत मेहनत की है. एक साल बाद मैं खेली, बहुत फर्स्ट मैच में मैं नर्वस भी थी, बट फर्स्ट मैच खेलने के बाद मुझे अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया. और जब मैंने डेब्यू किया, मुझे मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट मैच है, क्या होगा क्या होगा, बिकॉज हर एक उसका रहता प्लेयर का. तो बस मैंने यही सोचा कि अपना गेम खेलना है, और बस यही सोच के मैं हमेशा खेलती हूँ हर एक मैच में, कि अपना गेम खेलना और टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है. शुक्रिया शफाली. शफाली, ये दोनों T20s के बाद आप ये दोनों T20s के बाद आपके लिए ये टीम के लिए पॉजिटिव्स क्या सोच सकते हो आप? क्या पॉजिटिव्स निकले आपके टीम के लिए? पॉजिटिव्स सबने अच्छा किया, सब में इम्प्रूवमेंट भी है. हम एक साल बाद खेल रहे, तो हमें हम एक साथ खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे एक दो सीरीज, तो हम और अच्छा कर सकते हैं. और पॉजिटिव ये है कि सबने अच्छा किया, सबने अच्छा एफर्ट किया, और सब अच्छा भी खेले, बस यही. ओके, थैंक यू शफाली फॉर योर टाइम. थैंक यू एवरीवन.